अतनु का वॉक चल रहा है और अतनु को कुछ भी सुनाई नहीं देता है, जितना चाहे बुराई कर लो अतनु का। वेलकम टू सिंपली लक्ष्मी लाइफ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप कि मेरे सारे फ्रेंड बहुत अच्छे हैं, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है 10th of March, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं और अतनु दोनों ही आ गए हैं गार्डन पे, और हमारा गार्डन का जो मेकओवर है वो लगभग स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे जो पुराने गमले थे ना, उससे हम लोग मिट्टी को हटा रहे हैं, क्योंकि इसमें जो पुराने प्लांट्स थे उसके जड़े रह गए हैं, तो इसके कारण ना मिट्टी मतलब इतना अच्छा नहीं रहता है, उसमें प्लांट्स अच्छी तरह से नहीं आता है। तो इसके लिए हम लोग सारे गमले के मिट्टी को चेंज कर रहे हैं ताकि लोग नए प्लांट्स इसमें लगा सके। तो ये काम ना बहुत ही बड़ा एक काम था, काफ़ी दिनों से हम लोग सोच रहे थे कि इसको करना है, इसको करना है, तो फाइनली हम लोग कर रहे हैं। और ये जो हमारे बालकनी गार्डन बनने जा रहा है ना, इसमें बहुत टाइम लगेगा, तो जो भी चेंजेस मैं इसमें करूँगी, मैं धीरे धीरे करके सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। और यहाँ पे धूप के कारण ना मैंने कर्टन हैंग किया है, क्योंकि धूप जो है बहुत तेज़ धूप है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जड़े जो है ना एकदम मिट्टी के साथ मिक्स हो गया है, इसको मिट्टी ना फेंको तो इसको क्लीन करना मुश्किल रहता है। और फाइनली ये काम हमारा पूरा हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हो सारे खाली जो गमले हैं सारा कुछ मैंने रख दिया है। अभी धीरे धीरे करके इसमें मिट्टी डालना है, प्लांट्स लगाना है। और यहाँ पे जो पिजन बेबी है ना वो भी है, और उसकी मम्मी पापा दोनों ही आ गए हैं यहाँ पे देखने के लिए। हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, और आज है नेक्स्ट डे और आज है महाशिवरात्रि, तो हैप्पी महाशिवरात्रि आप सबको। और मैं अभी घर में पूजा कर रही हूँ, उसके बाद मंदिर जाने के लिए सोच रही हूँ। और आप लोग कैसे स्पेंड कर रहे हो? मेरा फास्ट नहीं रहता है शिवरात्रि का, लेकिन पूजा करती हूँ, अच्छा लगता है। बचपन से ना शिवरात्रि एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल लगता है ना, कि चारों तरफ मंदिर में भीड़ रहता है और पूजा वगैरह सारा कुछ बहुत अच्छा लगता है, और सुबह सुबह धूप आने के कारण ना बहुत ही अच्छा फ्रेश फ्रेश लग रहा है। और आज हम लोग गए थे शिव मंदिर पूजा देने के लिए, बट वहाँ पे इतना भीड़ है, मतलब मेन रोड तक लाइन खड़ी है, पुलिस वगैरह सारा कुछ है। मैंने सोचा अगर मैं यहाँ पे लाइन देती हूँ तो मैं शाम से पहले तो घर नहीं जा पाती, ऊपर से वहाँ पे डिस्टेंस भी मेंटेन नहीं हो रहा था। ठीक है, मतलब हम लोग अगर फिर मतलब खुद प्रिकॉशन लेते हैं, फिर भी अरे एकदम साथ में बाजू बाजू खड़ा था ना, कोई डिस्टेंस सेफ डिस्टेंस नहीं था। और बैंगलोर में केसेस वगैरह सारा कुछ बढ़ भी रहा है, तो इसीलिए हमने सोचा कि चलो कभी दूसरे दिन आके मंदिर में पूजा करवाएंगे। अभी तो घर चलते हैं, घर जाके मैं मेरी फ्रेंड के घर जाऊंगी, वहाँ पे शिव जी का लिंग है, वहाँ पे मैं पूजा दूंगी। और मैं फास्ट नहीं करती हूँ, जस्ट मैं पूजा दूंगी आज शिवरात्रि। एक्चुअली हम लोग नहीं करते हैं, फास्ट नहीं करते हैं शिवरात्रि का, मैं शादी से पहले करती थी, बट मेरे ससुराल में है कि शिवरात्रि का फास्ट नहीं कर सकते हो, तो इसके लिए शिवरात्रि का फास्ट मैं नहीं करती। जस्ट अभी अभी मैं पूजा करके आई, कृति को अतनु को प्रसाद दिया, और बाप रे बाप, अतनु ने मुझे बोला ही था कि आप जा रहे हो लेकिन बहुत भीड़ होने वाला है ना। मैं फास्ट नहीं करती हूँ, तो मैं खाना बनाऊंगी, और अभी बन रही है चाय, क्योंकि अतनु भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। अतनु भी गया था मतलब जब मंदिर जा रहे तब क्यों खाना। हाँ, अतनु बोलता है कि अगर मंदिर जा रहे हैं तो मैं नहा के और खाना मतलब बिना खा के ही जाऊंगी जाऊंगा। ओके, तो आज का लंच है ये आलू पोस्तो, सिंपल आलू पोस्तो ना, एक अलग ही टेस्ट होता है उसका। और ये है मूंग की दाल, और टमाटर की चटनी फ्रिज में है लेकिन वो हम लोग नहीं खाएंगे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है मैंगो पिकल, आम का अचार। सो ये वाला जो आम का अचार है ना, ये अतनु का सबसे ज्यादा फेवरेट है, बहुत मस्त लगता है ना। अभी वो खाने का टाइम भी आ चुका है, अब तो गर्मी का मौसम आ गया है। और ये पिकल ना 2 साल पुराना है, सो ज्यादा सॉफ्ट, हाँ टेस्ट भी ज्यादा होता है, मैंगो एकदम से सॉफ्ट बन जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है ये। हाँ
That for me? Oh, all yours. This is for me. देख चो इसीलिए मैं बोलती हूँ ना, छोटा छोटा जो पैकेट होता है ना, तीन लेके आते हैं, एक एक का रहेगा. हाँ, ये वाला नहीं लाना है. और अतनु का हो गया क्योंकि अतनु को गर्मा गर्म खाना था, ठंडा ठंडा खाना था. अच्छा अच्छा, अतनु को ठंडा ठंडा खाना. तो वही तो अतनु ने खा लिया है और ये अभी मेरा है. और एक जन का नजर है इस पे. हाँ, मैं जल्दी जल्दी खा लेती हूँ, नहीं तो ये भी मेरा चला जाएगा. भाग को मैं जावे ना कि ताते खाच्चे सुनो. ताते खेलो पापी ना उटा माइंड बिकॉज़ शेयरिंग केयरिंग. यस, शेयरिंग इज केयरिंग. ओके, तो कृति खेल के आ गई है और देखो पसीना हो गया था. हाँ. पूरा सामने का जो हेयर था ना, पूरा भीग गया था. हाँ, और अभी सब बच्चे का एग्जाम चल रहा है ना, मतलब चल रहा है. हाँ, किसी का स्टार्ट हो गया है, किसी का स्टार्ट होगा. कृति का नहीं हुआ है, लेकिन कृति अभी टाइम टू टाइम आ रही है. मतलब 7:00 तो डॉट 7:00 वो लोग घर आ रहे है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे है जिनके एग्जाम अभी चल रहे है. मेरा एक फ्रेंड वो रिद्धमा है, वो 4th grade में है, वो 5th grade में हो जाएगा, उसका एग्जाम चल रहा है. और कृति भी तो बिना एग्जाम का 3rd standard में चली जाएगी, है ना. मेरा तो कोई एग्जाम ही नहीं है, मेरा बस प्रोजेक्ट्स और क्विज तो हमारा है अभी. मुझे आज करना है क्विज करना है. हाँ, चलो थोड़ा सा पढ़ाई हो जाए. हाँ, पर वो एग्जाम कैसे होगा वो तो नेक्स्ट ईयर आपको पता चल जाएगा एग्जाम कैसे होगा. और अभी अतनु कॉल पे है, तो कभी कभी अतनु क्या करता है, जब लॉन्ग टाइम के लिए कॉल पे रहते हैं ना, तो वो हेडफोन लगा के ऐसे वर्क करते रहते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से अतनु नीचे नहीं जा पा रहे हैं उसके बैक पेन के कारण वर्क के लिए. सो इस तरह से थोड़ा बहुत वर्क कर लेते हैं घर पर. अभी ना अतनु का वर्क चल रहा है और अतनु का कुछ भी सुनाई नहीं देता है, जितना चाहे बुराई कर लो अतनु का. अतनु एक्चुअली ऐसा ही करता है, बहुत लॉन्ग टाइम के लिए चलता है ना, तो वो थोड़ा सा वॉक भी कर लेते हैं. हाँ, के लिए क्या स्पेशल? तो डिनर में क्या होगा स्पेशल? और वो पूरी. सर्कल तो पूरी के अलावा कुछ दूसरा सोच नहीं सकते हो क्या? हाँ, और मैदा रोटी. बस दो सेम चीज दिए बनाना, दो ही सेम इंग्रेडिएंट से बनता है ना. एक्चुअली उसको मैदा बहुत पसंद है, मैदा और लूची पूरी मतलब बहुत पसंद है. है ना. हाँ. मैदे की रोटी दे दो चाहे मैदे की पूरी दे दो, है ना. हाँ. और यहाँ पे बन रहा है बैंगन फ्राई, बैंगन भाजा, और वहाँ पे मैंने छोले की दाल चढ़ा दी है, और आज बनेगी पूरी. और देखो कृति मुझे हेल्प कर रही है. जो हार्ड है उसको ऐसे करना है. वैसे करना है ना. हाँ. बिल्कुल, वो ट्रिक पे सिखा रही है आप सबको कि कैसे करना होता है ना. हाँ. हो गया. हो गया, देखो. वेरी गुड. इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ. देखो कितना अच्छा बनाया कृति ने. खूब फास्ट. ये देखो कितना अच्छा उसने सर्कल बनाया है, पूरी मस्त. वाह, अच्छा. मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है. बेलने के लिए भी कुक है और तलने के लिए भी. हाँ. और मैं क्या करूं, मैं खाऊं. हाँ. कृति की तरह करती हूँ, आप लोग तलते रहो. इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. मैं उठा लूं. हाँ उठिए ना, किंतु अलग रखो. एक रखो, एक
ये एक्सीडेंट से गिर गए। ओके सो मैं क्या करती हूँ, कृति की तरह करती हूँ, हाँ, पूरी तलो मैं खाती रहूंगी, हाँ, है ना। अरे हाँ, तू खा भी ना, तू पूरी खा भी ना। ओनली दिस इज द लास्ट वन। ओके डिनर जो है ना कृति की मतलब फेवरेट है ना। मेरा भी फेवरेट है। दोनों का ही फेवरेट है। आज तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। किचन भी क्लीन कर लिया है और अभी मैं जाऊंगी कृति के रूम की बालकनी पे। और यहाँ है सब। आज रात काटा यहीं पे। हाँ और कितना अच्छा हवा चल रहा है ना। वो लोग भी उधर हैं। हाँ वो लोग उठ गया। उठ गया ना, सो गए थे ना। हाँ वो लोग सो। एक है ना मौसाई टंगी सो जाए आराम से ना। जब हम लोगों का मतलब होम सेरेमनी हुआ था ना उस टाइम में हम लोग शिफ्ट नहीं किए थे, लेकिन घर में रात को किसी को रहना था तो अतनु रात को रुके थे और इस बालकनी में मच्छरदानी लगा के अतनु सोए थे। पर इधर बहुत तड़का, मतलब क्या था, पानी या कुछ कुछ था, बहुत गंदा था। हाँ। तो इलाका सिर्फ अच्छा था। तो ऐसे ऐसे सोए थे ना, ऐसे ऐसे। और वो लोग मूव कर रहे हैं। वो लोग मूव कर रहे हैं ना। और यहाँ पे कितना अच्छा-अच्छा जैस्मिन का फूल। हाँ। एक फ्लावर है वो फूटे गए थे। वो शाम को मैंने शेयर किया था ना दिया करने का टाइम, उस टाइम में ना ये खिला नहीं था, अभी खिल गया। 24 आवर बालकनी चैलेंज कर लेते हैं। आप लोग बोल ही रहे हो कब से कि चैलेंज करो चैलेंज करो चैलेंज वीडियो लेके आओ, तो ये कर सकते हैं। पर लेकिन सुबह क्या हालत होगा है, मेरा समर सीजन है एक। हाँ। बात वो है, ऊपर से पूरा फुल 12 साढ़े 11 12 बजे तक पूरा कड़ाके की धूप आएगा। वो एक है, नहीं इस बालकनी में इतना ज्यादा नहीं रहता है, मतलब नहीं फिर भी रहेगा, फिर भी रहेगा, 11:30 बजे तक तो रहेगा। यहाँ तक नहीं रहेगा। हाँ। करूंगी मैं इसका थोड़ा सा एसिड वॉश कर लूँ यहाँ पे उसके बाद, नहीं तो ये बहुत ज्यादा गंदा है। और मुझे अगर 24 आवर चैलेंज करना है तो यहाँ पे खाना भी बनाना है, खाना सब कुछ करना है, टेंट भी बनाना है, एक टेंट लगाना है। हाँ टेंट भी लगाएंगे। पर इन लोग यहाँ पे टेंट लगा ना, टेंट वही थी लगाओ किम्बा यही थी लगाओ। हाँ ये तो एखने एक घंटा लगाओ पक्का करना है। हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत ही अच्छी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। आजकल हम लोग एवरीडे शाम के टाइम मतलब डिनर करने के बाद इस टाइम पे यहाँ पे बैठते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है, मन तो करता है यहीं पे सो जाओ। क्योंकि अभी का वेदर जो है ना यहाँ पे बैंगलोर पे, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये ठंडी ठंडी हवा। तो चलिए अभी तो हम लोग बैठे रहेंगे, आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करूँगी। और आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।